ये जो घटना हुई है रविवार को, ये निश्चित रूप से इस साल की सबसे बड़ी आपराधिक घटनाओं में से एक है। ये जो हरिद्वार में जो डकैती पड़ी है, और इसको हम लोग बहुत एक चुनौती के रूप में बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल स्वयं शाम को इस बारे में एक मीटिंग ली, जिससे मैं भी VC के माध्यम से दिल्ली से जुड़ा था, और उसमें उन्होंने इस घटना के बारे में अपनी चिंता प्रकट की और हम लोगों से इसमें जो कार्रवाई चल रही थी उसके बारे में जानकारी मांगी। अब चूंकि ये एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है और हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेशन है, तो इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से सार्वजनिक रूप से इसके बारे में अभी तक जो हमको सुराग मिले हैं उनके बारे में मेरे को जानकारी देना उचित नहीं होगा। लेकिन मैं जरूर इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारी उत्तराखंड सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारा पूरा पुलिस विभाग इस घटना को बहुत गंभीरता से ले रहा है, और विशेष रूप से पुलिस डिपार्टमेंट के लिए और हमारे जनपद हरिद्वार की पुलिस के लिए ये चुनौती है, और लेकिन ये चुनौती है भी है और एक अवसर भी है ये हमें ये दिखाने का कि बाहर के से आने वाले अपराधी ये ना समझे कि उत्तराखंड किसी भी तरह से, देखिए ये देवभूमि है और यहाँ हम नॉर्मली आने वाले सभी पर्यटकों का और तीर्थयात्रियों का स्वागत करते हैं, लेकिन इस प्रकार के जो दुस्साहस करेंगे, जो बदमाश चाहे हमारे पड़ोसी राज्य के हों, कहीं से भी आए हों, तो उनका भी हमें पुलिसिया ढंग से स्वागत करना आता है, और इसमें हमने अपनी बेस्ट टीम लगा रखी है, हरिद्वार पुलिस के अफसरों की भी और हमारी STF की भी। हम इसमें पड़ोसी राज्यों की पुलिस से भी मदद ले रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि निकट भविष्य में इस घटना का सही खुलासा भी होगा, हम रिकवरी भी करेंगे, और आगे इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम के लिए हमें और क्या करना है इसके लिए भी सार्थक प्रयास करेंगे। मैं यहाँ पे मेनली मौका देखने यही समझने के लिए आया था कि किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया, और कई बार कई सारी चीज़ें होती हैं जो आप मतलब अधिकारियों से सेकेंड हैंड बात करके नहीं समझ पाते हैं। मेरा मानना यह है कि फर्स्ट हैंड मौका मुआयना का अपना इम्पोर्टेंस रहता है, तो और यहाँ पे जो जिनकी दुकान किस में ये घटना हुई उनसे भी मैंने बातचीत की और उनसे भी अपनी संवेदना प्रकट की, अपनी चिंता प्रकट की, और उन्हें भी आश्वासन दिया है कि जल्दी इस घटना का खुलासा होगा। देखिए ऐसा है, अलग अलग जगह सर्राफा बाजार जो होता है वो अलग तरीके से उसका लेआउट होता है, कहीं पे सड़क थोड़ा सा चौड़ी है, कहीं पे संकरी गलियों में है सर्राफा बाजार, तो सभी के लिए एक तरीके की हम कार्य योजना नहीं बना सकते, लेकिन अलग अलग जगह हम डिस्ट्रिक्ट SPs को अभी इस बारे में फिर से हम जारी करेंगे, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे जो सर्राफा व्यापारी हैं उनके सहयोग के माध्यम से और बेहतर पुलिसिंग के माध्यम से इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम भी करेंगे। हरिद्वार जो है उत्तराखंड में, तो हरिद्वार को लेकर कुछ विशेष इस तरह की, देखिए हरिद्वार हो गया, उधम सिंह नगर हो गया, हमारा जो हमारे प्रदेश की राजधानी है देहरादून, वो हो गया, ये सभी एक तरह से मतलब किसी ना किसी राज्य से लगे हुए जिले हैं, तो इन सभी में बाहरी राज्यों से बहुत अधिक संख्या में पर्यटकों का, तीर्थयात्रियों का, रोजगार के लिए लोगों का डेली आवागमन रहता है, तो अब उसमें वो संख्या इतनी अधिक है कि हर एक पे नज़र रखना मेरे ख्याल से व्यवहारिक नहीं है, संभव नहीं, लेकिन इसमें हम और चिन्हित करके इसमें अपनी पड़ोसी राज्यों की पुलिस के साथ बेहतर तालमेल करके इस पे भी ठोस कार्य योजना बनाएंगे। डीजीपी साहब, ये सारी तो देखिए चेन स्नैचिंग हो गया, ये हो गया, इनका रात्रि गश्त है तो मैं नहीं समझता उतना कोई लेना देना है, लेकिन निश्चित रूप से दिन में हमें और क्या पुलिस प्रेजेंस बढ़ाना है और क्या प्रभावी कार्रवाई करनी है पुलिस के द्वारा, उस पर भी हम लोग विचार करेंगे। लगभग कितना निकट पुलिस पहुंच गई है, क्या? देखिए अभी मैंने जैसा पहले ही अपने स्टेटमेंट में कहा था, अभी इन्वेस्टिगेशन की प्रगति के बारे में सार्वजनिक रूप से मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मुझे अपने जनपद हरिद्वार पुलिस की टीम पे और अपनी STF की टीम पे जो मिलकर इसमें कार्रवाई कर रही है उन पर पूरा विश्वास है, और उनकी योग्यता पे, उनकी मेहनत पे, और जल्दी हम इसमें पॉजिटिव रिजल्ट देंगे।